आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज नवरात्रि का पांचवा दिन चल रहा है। अब आपको नगरी के दुर्गा मंदिर का दीदार दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ का माहौल देखते ही बन रहा है। सभी भक्तगण अयोध्या से आए वेद व्यास जी के मुखारविंद से निकले मधुर शब्दों को चकोर पक्षी की तरह निगलने में मस्त दिखाई दे रहे हैं। जो जहाँ बैठा है वहीं से प्रवचन का लाभ उठा रहा है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लें ताकि इस तरह की शांति सुकून भरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब आपका समय न लेते हुए व्यास जी के तरफ अग्रसर कर रहा हूँ। साथ बने रहें। आज आपका चिंता पाप कर्म का अंत होने वाला है। वेट फॉर एंड। कुत्ते का स्थान घर में नहीं है, कहाँ है? द्वार पर। वैसे ही चप्पल का स्थान अंदर नहीं है, कहाँ है? बाहर। पर क्या करें भैया, हम तो अपने अनुसार नए नए नियम निकाल लेते हैं। तो सर्वप्रथम पवित्रता का ध्यान रखिए। और मीराबाई कौन थी जानते हैं? ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई, वो तो गली गली हरि गुण गाने प्रेम जा।
पहले धोना चाहिए, नहीं तो यदि आपको लग रहा है कि मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाऊंगा तो वो बात को मत लाइए। यदि आपको लग रहा है कि मैं मांस अंडा नहीं छोड़ पाऊंगा तो, क्योंकि गोपाल जी घर आकर नहीं बोल रहे कि भैया मुझे तेरे घर ले जाओ, कौन लाता है हमें लेकर आते हैं। और जब हम धर्म विरुद्ध आचरण करते ना तो उसका दोष लगता है, कल्याण नहीं होता। वैसे तो भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान कहते पत्तम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन घर में पवित्रता होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। अब ना तो कहीं पवित्रता रह गई और ना कहीं शुद्धता रह गई। गरुड़ पुराण उठा करके देखेंगे तो उसमें वर्णन आया है, रात्रि का जो बर्तन होता है ना, भोजन करने के बाद में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि जिस घर में जूठा रहता रहता तो लक्ष्मी वहां से क्या करती है, चली जाती है। और लक्ष्मी जी चली जाती है, आती नहीं है, सुलक्ष्मी तो चली जाती है, और कुलक्ष्मी घर में आकर के, क्योंकि लक्ष्मी जी की एक बहन है उसका नाम है दरिद्रता, कौन की माता लक्ष्मी जी। तो जहां पर शुद्धता और पवित्रता नहीं होगी वहां पर दरिद्रता करके विनाश कर जाती। फिर कहते पंडित जी पैसा तो बहुत कमा रहा हूं आता है लेकिन रुक नहीं रहा। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है, पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुक नहीं पाता है। तो भैया एक बात सदैव याद रखना, माताओं से भी और भाइयों से भी, जिस घर में पवित्रता होती है शुद्धता होती ना, स्थिर लक्ष्मी का वास उसी घर में। इसलिए कभी भी रात्रि का भोजन किया हुआ जूठा बर्तन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको साफ करके रखना चाहिए, प्रयास ये करें। हाँ आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या परिस्थिति कुछ ऐसी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अधिकतर प्रयास ये करें कि बर्तन कभी। और दूसरी बात, जिस सैया पर हम शयन करते हैं उस पर बैठ करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। और अधिकतर लोग मम्मी कहाँ बैठकर समझ रहे होंगे ना, थाली लगा करके ले आओ, और वो मम्मी भी बड़ी धन ला करके। तो भैया हम आपको प्रतिदिन बताते हैं, जैसा आप संस्कार बच्चों को सिखाएंगे ना, बच्चे उसी के अनुसार आचरण करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए कभी भी जिस सैया पर शयन करते हो उसमें बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि जब हम शयन करते हैं तो हमारा सिर किसके सामने होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना जानते समय पर मानता कोई कोई है। और जान लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मान लेना। तो जिसने मान लिया वो भव सागर से तर गया, और जिसने जान करके नहीं माना वो, तो सहन का भी एक तरीका है, दक्षिण की तरफ कभी भी पैर करके सहन नहीं करना चाहिए। यदि आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएंगे ना तो हमारी बुद्धि प्रखर होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सूर्य नारायण प्रकट हो जाते हैं उनके पैर, आइए सरकार हमारे पैर आपका। हाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो सूर्य नारायण जानते कौन है, प्रत्यक्ष देवता है। और कहते हैं बच्चों से यदि प्रतिदिन सूर्य नमस्कार और उनके 12 नाम बोल करके जल अर्पित करवाया जाए ना, तो उस बच्चे की बुद्धि कभी ही नहीं हो सकती। हनुमान जी के गुरु जी कौन थे जानते हैं, कौन थे, सूर्य नारायण। लेकिन जब हनुमान जी गुरु बनाने गए ना तो हनुमान जी से गुरु जी डर गए, क्यों, बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोग भयो, भैया ऐसा चेला आ रहा जो हमें। परंतु हनुमान जी ने प्रणाम किया कि मैं तो आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, आपकी शरणागति लेकर के आपसे। तब सूर्य भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, बोले मेरा काम तो है चलते रहना, और कहते हैं कि गुरु के सन्मुख होकर के ही विद्या प्राप्त की जाती है, फिर आप कैसे प्राप्त करेंगे।
तो हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं उल्टा होकर के चलूंगा। सूर्य नारायण बोले धन्य है चेला, पहले ही उल्टा हो गया। हनुमान जी बोले उल्टा होने का अर्थ ये नहीं है, जो विश्व से विमुख होकर के परमात्मा की शरण में आकर के चले वो है शिष्य। जो मैं संसार से विमुख होकर के गुरु की शरण में आकर के आपकी शिक्षा ग्रहण करता है। तो जिन बच्चों की बुद्धि बहुत कमजोर है, पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता, टीवी में ज्यादा मन लगता है, किस किस का लगता है? लगभग लगभग सभी का लगता हुआ। 3 घंटे मूवी थिएटर में जाकर के बिठा दो, बिल्कुल नींद नहीं आई। अधिक माताओं का भी यही हाल है और भाइयों का, बच्चों का भी। और मूवी देखने जाते तो टिकट कटा कर पैसा देना पड़ता है, तो उससे क्या प्राप्त होता है? कुछ शिक्षा प्राप्त होती है? और वहां जब बैठते तो ताली बजा बजा करके आनंद लेते हो, कथा में पता नहीं कितने दिन से भोजन ही नहीं किया हो। तो ये हमारे सनातन संस्कृति के संस्कार नहीं है, पर कहते हैं कि हमारी गलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है तुलसी पिछले पाप तो हरि कर जाना सुहाए, जैसे जुड़ के अंसित भोगन की रुचि जाए। वो हमारी गलती नहीं है, होता क्या है, तुलसी पिछले पाप सो प्रभु चर्चा न सुहाए। मान लीजिए हमको बुखार है, तो जो चीनी या मिठाई मीठी होती है ना, वो भी कड़वी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में अभी बुखार का ताप है और हमारी जीवा ठीक नहीं है, और दवाई लेकर के यदि उसको ठीक कर लिया जाए तो मीठी मिठाई कैसी लगने लगती है? मीठी लगने लगती। तो जो लोग विषयों की ओर दौड़ रहे हैं वो उनकी गलती नहीं है, पूर्व स्कृत उनके कर्म ऐसे हैं जो भगवान के दरबार में आने नहीं दिए। क्योंकि भैया इस शरीर में पुण्य भी निवास करते हैं और पाप भी निवास करते हैं, तो जब हम भगवान का नाम कीर्तन गाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वो पाप निकल करके कहां जाते हैं? जो कथा सुनने नहीं आ गया। तो कहने का तात्पर्य यदि किसी को हम घर से बाहर करेंगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं ना। इसीलिए पाप प्रयास ये करते हैं कि हम धर्म स्थल तक पहुंच ना पाए और वो हमें बार बार रोकते हैं। लेकिन प्रयास क्या करना चाहिए? श्वास श्वास मेरा मेरठ वृथा भरोसा है, लेकिन श्वासों का कोई भरोसा नहीं। इसलिए भैया जितना जल्दी हो सके, और ये अवसर बार बार भी नहीं मिलता, केवल 9 दिन का अवसर है। कितने दिन का? जगदम्बा का आप दर्शन कर रहे हैं, कथा का लाभ ले रहे हैं, मानस जी का पाठ कर रहे हैं केवल, और यहाँ जब आ जाते तो ना चाह करके भी आपको पाठ, और घर में आज काम आ गया पाठ कल, है ना? आज कार्य ज्यादा है तो प्रभु सेवा आपकी। अच्छा एक बात बताइए, अत्यधिक काम हो और भोजन छोड़ते हो आप कभी? छोड़ा? ऐसा कभी हुआ है कि चलो आज काम ज्यादा है तो भोजन नहीं करेंगे? किया है कभी? तो एक बात सदैव याद रखना, जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, जिस प्रकार से शरीर को भोजन पुष्ट करता है, उसी प्रकार से मन को भोजन पुष्ट करता है। और जिसके जीवन में भोजन नहीं है ना, बस भोजन करते जाओ और भैया ये काम तो पशु भी करते हैं,
और कहने का तात्पर्य पशु और कोई नहीं है, जानते कौन है जो ये हमें ऑफर मिला था ना, ये हमने कहाँ गवा दिया, संसार के विषयों में। और तब जाकर के कहीं कुत्ता बन करके भूख रहे तो कहीं गधा बन करके। तो हम प्रयास ये करें कि प्रभु इस मानव शरीर का मैं सदुपयोग कर पाऊं, और प्रयास ये करें कि है ना इसी जन्म में मैं आपको प्राप्त कर लूं सरकार। और मोक्ष का अर्थ भी यही होता है, विषयों का क्षय हो जाए और परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाए, वही है मोक्ष। पर भैया जीवन निकल जाता है सुनते सब है, लेकिन जब तक बैठेंगे सुनेंगे, जैसे ही कथा पांडाल से बाहर हुए तो बोले हाँ बताया तो था लेकिन अब क्या करें, कलयुग है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं करना चाहते हैं लेकिन भैया कलयुग है तो कलयुग नहीं कह रहा कि तुम दारू पियो, कहता है क्या कलयुग तो नहीं कह रहा कि तुम मुंडा मुर्गी खाओ, बोलता है क्या कलयुग अपनी जगह है और अपना धर्म अपनी जगह है। और हम चाहें तो सतयुग ला सकते हैं, और हम चाहें तो यदि हमारी क्रियाएं धर्म युक्त हैं तो सतयुग आ सकता है, और हमारी क्रियाएं अधर्म युक्त हैं तो कलयुग तो फिर भैया, क्योंकि कलयुग का काम ही यही है अधर्म की ओर बढ़ाना और धर्म से विमुख कर देना। तो जब भी कभी जीवन में ऐसा अवसर मिले तो हमें उस अवसर का लाभ लेना चाहिए, और भगवान की कथा में बताए हुए शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि करनी और कथनी जब तक दोनों एक नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। हम बताकर जा रहे हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथ राम 11 बजे उठ रहे हैं तो कहते हैं वाह, कल तो कथा में सुनाया जा रहा था कि सुबह 4 बजे जाना चाहिए, और स्वयं तो कर्म आने से पहले करना पड़ता है, जो हमारी वाणी पर है वो हमारे कर्म में होना चाहिए, तब तो वास्तव में आप योग्य माने। नहीं तो भैया ज्ञान तो सबके पास होता है लेकिन प्रयोग कोई कोई कर पाता है, और जिसमें समय से समय निकल गया फिर कुछ नहीं होता, प्रयोग का भी समय होता है। भगवान की जो कथा होगी ना, राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है, राघव जी की लीला हमें ये बताती है कि मानव को इस संसार में कैसा व्यवहार करना है। कल के सत्र में हमने श्रवण किया भगवान श्री राजेंद्र सरकार का बड़ा ही मंगलमय विवाह हुआ, और केवल राम जी का भी विवाह नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, आपने श्रवण किया था राजा दशरथ जी गुरु जी के पास गए एक पुत्र की याचना करने, कितने और यहाँ विवाह भी एक ही पुत्र का होना था क्योंकि प्रत्यक्ष किया थी कि जो धनुष भंजन करेगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह, केवल राम जी का होना था, लेकिन तैयारी कितने पुत्रों की होगी, चारों कुमारों का विवाह हो गया। और दशरथ जी जनक जी क्या है समधि, शास्त्र कहता है पुत्र और पुत्री की कुंडली बाद में मिलाओ लेकिन समधि और सास की पहले मिलवा करके देखो, क्योंकि जो मांगने का ज्यादा फोर्स होता है ना पुत्र कम मांगता है, लेकिन इसलिए पुत्री और पुत्र को साइड में रखो, पहले सास और समधि की कुंडलियां मिला करके। हाँ वास्तव में तो समधि का अर्थ सम यानी होता है समान, और धि का अर्थ होता है बुद्धि, जिनकी बुद्धि समान हो वो तो है समधि, और जिनकी बुद्धि का मेल नहीं मिल रहा वो समधि नहीं मिल रहा। जैसे हमने कल बताया था डिमांड में रखती 20 लाख, तो भैया हमें भिखारी को पुत्री नहीं देना है, और पुत्री उस पिता से पूछिए जिसने बचपन से उसे
पाला है, पढ़ाया लिखाया है, वो अपने हृदय के टुकड़े को आपको दे रहा है, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया भैया कार वाली बहू आए चाहे ना आए, लेकिन संस्कार वाली बहू आनी चाहिए। कार में यदि आप में योग्यता होगी तो आप खरीद लेंगे, लेकिन संस्कार कार भले भी लेकर ना आए बट बिटिया आपके घर आए तो संस्कार लेकर आएगी, संस्कार लेकर के आएगी तो लक्ष्मी बनकर के रहेगी, और कार लेकर के आएगी तो बेटा को क्या बना देगी। सुनते थे नारद जी की कथा, हाँ तो बस, और होता भी ऐसे है। इसलिए बस कन्या में संस्कार होना चाहिए। और जनक जी महाराज जो है ना, एक पुत्री को नहीं कितनी पुत्रियों को दे रहे, चार चार पुत्रियों को। इसलिए वर्णन भी किया है, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, हाथ सीता घर का सामान ना समझे। जब हम
रामचरितमानस जी ने, जनक जी होता क्या है संसार में, हमने सर्वत्र देखा है हम वरपक्ष के हैं, क्या रहता है हम वरपक्ष वाले, हम जो बोलेंगे वही। लेकिन यहाँ जनक जी को देखिए, जब दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा ना कि सरकार आप तो मुझसे बड़े हैं और मेरी पुत्री से यदि कुछ गलती हो जाए ना तो बहू समझ करके नहीं उसे बेटी समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। कौन कह रहा है? जनक जी। और आप हाथ जोड़ करके ये मत कहिए कि मैं छोटा हूं, आज आपने एक नहीं चार चार लक्ष्मी मेरे घर में भेजी, आपसे धन्य तो दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ होता क्या भाई, हम वरपक्ष वाले हैं, यदि हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने सुना ना, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा दहेज क्या है इससे बड़ा, बेटी बाबुल के दिल का कहते हैं कभी ऐसा काम मत करना कि किसी बिटिया के पिता को अपना घर गिरवी रखना पड़े, कभी ऐसा काम मत करना कि बिटिया के पिता को अपनी जमीन गिरवी रख करके उसका विवाह करना पड़े। क्योंकि भैया हम भिखारी नहीं है, हम क्या है, और बेटी सामान्य नहीं होती है। सर्वत्र हम देखते हैं अधिक लोग अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपना घर गिरवी रख देते हैं, अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं। क्यों? क्योंकि आप दहेज मांग रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए सर्वस्व गिरवी रख करके अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको वो दे रहा है ना वो आपके घर को मंदिर बना देगी, और जिस घर में नारी नहीं होगी ना उस घर को जाकर के देखिए। प्रयास करें, संकल्प करें कि जब भी हम अपने पुत्रों का विवाह करेंगे तो मांग कभी नहीं करेंगे, बस हाथ जोड़ करके ये कहेंगे कि आपने जो दान दिया है ना, आपने जो अनमोल हीरा दिया है ना, इससे बड़ी मेरे लिए दूसरी कोई वस्तु नहीं हो सकती। तब तो आप घर में बहू लेकर के आएंगे, नहीं तो भैया बहू तो कम मिल रही है, समझ रहे होंगे आप। ऐसे ही एक मांगने वाले गए, लिस्ट बना करके भेज दिए, इतनी बड़ी लिस्ट के खड़े होकर के खोलना पड़ रहा था। हाँ भाई, बहुत से भिखारी बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे कुछ मीडियम, पर भिखारियों की भी कैटेगरी होती है। इतनी बड़ी लिस्ट बना करके भेज दिए, सारा सामान उसमें लिखा हुआ है, 10-15 लाख का सामान और 15-20 लाख कैश। जैसे तैसे करके माता पिता ने अपने जेवर रख के जमीन रख करके व्यवस्था की पुत्री क्या, लेकिन बेटी बड़ी समझदार थी। विवाह करने के पश्चात जब ससुराल आई ना तो उसने मांगने वालों को सबक सिखाने के लिए बड़ी अच्छी नीति बनाई। बढ़िया 8 बजे तक सोती सासू माँ, चाय बनी के नहीं, अभी तो नहीं बनी, नहीं बनी तो बना करके लाओ, हम क्या करें, सासू मां चाय बनाई और लाए। एक दो दिन तो ऐसा चला, परेशान हो गए, फोन किया, एक ऐसी बेटी भेजी। भैया बहू का कर्तव्य है कि गृह कार्यों को करे, ये तो आकर के ऑर्डर लगा रही है, इसमें तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं। बेटी खड़े होकर सुन गई थी, जैसे ही फोन कटा बोली, सासू मां जो आपने लिस्ट भेजी थी ना उसमें सामान तो लिखा था लेकिन संस्कार कहीं नहीं लिखा था, इसलिए मेरे पिता ने सामान भेजा है, संस्कार में मेरे पिता के घर छोड़कर। यदि आप लिखती कि संस्कार वाले बहू भेजना तो मैं संस्कार लेकर के आती, लेकिन सामान था संस्कार। ऐसे लोगों को ऐसे सबक सिखाया जाता, लेकिन क्या करते, घर गिरवी रख देंगे, मकान गिरवी रख देंगे, दुकान गिरवी रख देंगे, लेकिन इनकी मांगे तो भैया ये दहेज प्रथा कभी बंद नहीं हो सकती। एक व्यक्ति प्रयास करेगा तो नहीं हो सकता, सब मिल करके जब प्रयास करेंगे तो संभव हो सकता है।
इसीलिए कहा गया है हाथ सीता का राम को दिया जनक राजा देंगे और क्या। जोड़ना चाहिए हाथ जनक जी को, लेकिन कौन जोड़ रहा है? दशरथ जी महाराज। और कहते हैं विदाई का समय निकट आया, और विदाई का समय जो होता है ना, ऐसा समय होता है जो व्यक्ति जीवन में कभी रोया ही नहीं है, जिसकी आंखों में कभी आंसू भी ना आए हो। जब कन्या विदा होती ना, तो उसकी भी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। लेकिन भैया एक बात हम रखना चाहेंगे, आज विदाई प्रथा को भी सत्यानाश करके बिटिया जब ससुराल जाती थी ना, तो किसमें बैठ के जाती थी? किसमें बैठती थी? डोली में। और अब 50 लाख की कार। और बिटिया जब जाती थी ना, तो विदाई होनी है 10 घंटे बाद, और रोना एक दिन पहले से चालू हो जाता। माँ रो रही है, बहन रो रही है, पिता रो रहे हैं, और अब माता जी कौन कह रहा है? ये विदाई प्रथा नहीं है। और ये किसका प्रभाव है? हमारे संस्कार का। दौड़ करके कार में बैठ जाती हो, और माँ भी वो घर में, चाहे कुछ भी हो जाएगा, ससुराल में बनी रही हो। हाँ, हटने का नाम मत नहीं हो, बनी का अर्थ यही होता, बनी बोलते ना, लड़के को बनना और लड़की को, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, संग्राम करियो। और हाँ, तो जो ऐसे करके जाते हैं ना, वो संस्कार लेकर के नहीं जाते। क्या लेकर के जाते? हाँ, और भैया सामान लेकर के जो आती है ना, तो वो फिर वही बात है ना, नारी विवस नर सकल गुसाई नाच। तो इसलिए सामान भले ही ना लाए, कार भले ही ना लाए, लेकिन बिटिया ऐसी ढूंढो जो अपने साथ संस्कार लेकर के आए, तो घर को स्वर्ग बना देगी, नहीं तो घर को नर्क बनने में देर नहीं लगती। आपने सुना भी होगा, मोबाइल खोल करके देखिए, आए दिन न्यूज निकलती है, 4 दिन विवाह का हुआ, उसके बाद पति पर केस लगा दिया, सुनते ना, 8 दिन केवल विवाह के हुए, तो पति जेब को कहां भेज दी? तो वो कौन थी? कार वाला। कार लेकर के तो स्वयं चली गई अपने घर और पति को। तो हमारे जीवन में ऐसी घटना ना हो, इसलिए कार नहीं हमें संस्कार देखना है, सकल नहीं हमें उसका व्यवहार देखना है। और ये दोनों के लिए है, केवल लड़की के लिए नहीं है, क्योंकि लड़की जब घर से निकलती ना, बिटिया मेरी इज्जत को बचा लेना, बोलते हो ना, अभी लड़के से बोले हो? बोले हो? अरे वो तो लड़का है, उसका क्या है? और जब भी किसी बेटी के साथ कोकरत तो होता है, तो रावण भी करता, कौन करता है? इसलिए कहने का अर्थ है, जैसे बिटिया से बोलते हो ना कि मेरी इज्जत खराब मत करना, उसी प्रकार बेटे से भी बोलो कि कभी किसी की इज्जत पर कुदृष्टि मत डालना। केवल लड़की को नहीं, बेटा को भी संस्कार देना जरूरी है, और बेटी को भी संस्कार देना जरूरी है। और आज जब विदाई हो रही, तो माता सुनेना चारों पुत्रियों को बिठा करके क्या कह रहे हैं? बिटिया, अभी तक तो मैं तेरी माँ थी, ये तेरे पिता थे, परंतु अब तेरी माँ कौन है? कौन है? मैया कौशल्या। और जो तुझे दुख सुख हो बिटिया, मुझे नहीं बताना, अब किसे बताना है? क्योंकि मैं तुझे ससुराल नहीं भेज रही हूं, मैं तुझे तेरी माँ के घर भेज रही हूं। क्योंकि ये नियम है, पुत्री यदि जन्म लेती है, तो एक दिन उसको पराए घर जाना पड़ता है। पर आज क्या हो रहा है? बड़ा सा 1.5 लाख वाला आईफोन पकड़ा करके सास ने यदि गड़बड़ की ना, तो तुरंत फोन करना, यही शिक्षा देते हैं अधिकतर लोग। पति यदि कुछ उल्टा पुल्टा बोले ना, तो बस फोन कर दीजिए। तो भैया हमें
अपने घर को मिटाना नहीं है, क्या करना है? बनाना है। और आपका भी धर्म है, आप जब ससुराल आती हैं तो वो घर नहीं, अब ये घर आपका है। तो माता पिता पुत्री को ऐसी शिक्षा दें ताकि वो वहां जाकर के उस घर को मंदिर बनाए ना ही, क्योंकि जैसी हम शिक्षा देंगे वैसा ही पुत्री व्यवहार करेगी। यदि शिक्षा देनी है तो माता सोने न जैसी बने, तब तो आपकी पुत्री ससुराल में जाकर के सबकी सेवा करेगी, नहीं तो सेवा कम और ऑर्डर ज्यादा चलाएगी। सेवा का अर्थ यह नहीं है कि 24 घंटा पानी लेकर के, सेवा का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करें। पति के प्रति क्या कर्तव्य है, सास समान माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, विधिवत रूप से पालन करें। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ करके थाली लगा करके दुर्गा माँ के पूजन के लिए आई और घर में माँ प्यासी बैठी है। अधिकतर ऐसा होता है, दुर्गा माँ की तो हम पूजन करते हैं, मंदिर के भगवान को तो मान रहे हैं, लेकिन माँ यदि कह दे कि एक गिलास पानी दे दो तो हमारे पास समय नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कर्तव्य क्या है, जिस घर में आप विवाह होकर के आई है ना, उस घर को आप संभालिए। उस घर में आप आकर के अपने सर्वस्व कर्तव्यों को समय से निर्वाह कीजिए, तब तो आप बहू हैं, नहीं तो आप बहू नहीं बन सकते। और भैया, घर बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन मिटाने में, मान लीजिए 4 मंजिल मकान आपने बनाया होगा तो कितना समय लगा होगा, 1-2 दिन में बन गया होगा, नहीं ना? हो सकता है 6 महीने 1 साल इतना तो लग ही जाता है। और यदि उस 4 मंजिला मकान को मिटाना हो तो कितना समय लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। योगी जी हमारे वृंदावन में जो भी भ्रष्टाचार करता है ना, उसको जड़ से खत्म कर दिया, इसीलिए योगी जी को योगी जी नहीं कहता, बिल्लो डर बाबा। देखा होगा आपने हमारे मिथिला में भ्रष्टाचार को बिल्कुल साफ कर दिया। बाबा का नाम सुनते ही विरोधी कांप जाते हैं, भैया बाबा बाद में आएगा, बिल्लो डर। जो भी अपराध करता है ना, पाप करता है, ऐसा नहीं है कि पहले वकील करो केस लड़ो वहां, ये कोई काम नहीं, डायरेक्ट जजमेंट। और भैया धन्य है भारत देश जहां अपराधियों को भी वकील मिल जाते हैं। जिसने अपराध नहीं किया उसे बाद में मिलते हैं, अपराधी को पहले मिल जाते हैं। तो जो वकालत का काम करते हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगी, पैसे के चक्कर में आप किसी निरपराध को फांसी के फंदे पर मत चढ़िए। आप लोग बस उसका केस लड़ लेंगे, झूठ बोल करके उसको जिता देंगे, लेकिन परमात्मा आपके पक्ष में कभी नहीं आएगा। अधिकतर ऐसा होता है, मान लीजिए 50,000 आपकी फीस है और अपराधी आपको 1,00,000 दे दे तो तत्काल, और भैया गवाह भी तैयार हो जाते हैं, कहां हमारे देश में। और किसको सजा दिलाने मिली, निरपराधी को, निरपराधी को सजा हो जाती है और अपराधी को बैल हो जाती है। तो ये हमारे भारत देश का धर्म नहीं है। वकालत करने वालों को भी सत्य का पक्ष लेकर के लड़ना चाहिए, सत्य के साथ खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो झूठ का साथ देता है ना, वो जिसका साथ दे रहा है उसे भी मिटा रहा है और स्वयं को भी मिटा डालता है। पक्ष हमेशा सत्य का लो। यदि पक्ष लेना है तो सदैव धर्म का लो, तब तो आप मानव हैं। तो शिक्षा क्या दे रही है बिटिया, कभी भी कोई ऐसा अपराध मत करना जिससे कि हमें सुनना पड़े। और हमें और आपको भी अपनी पुत्रियों को यही बताना चाहिए। पर होता क्या भैया,
ससुराल प्यारी लगी जब ते रूप कुटुंब भय तब के। विवाह के बाद में भैया लोगों का हाल भी बदल जाता है, घर वाले उतने अच्छे नहीं लगते जितने, कोई भी काम होगा साले जी अधिकतर ऐसा होता है। अपने पिता से नहीं पूछेंगे, भैया लोगों के लिए किससे पूछेंगे? आप कभी तो हो जाइएगा, और जब पिता ऐसा सुनेगा तो उसके हृदय पर क्या बीतेगा? सम्मान कीजिए, महत्व दीजिए, लेकिन इतना नहीं कि अपने परिवार को भूलें, क्योंकि वो भी आपका परिवार है और ये भी आपका परिवार। पहले केवल एक माँ थी आपकी और दो दो माँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भैया क्या करें, ससुराल में खातिरदारी इतनी बढ़िया होती है, बड़े अच्छे से सेवा होती है। वैसे ही एक था भैया, नया नया विवाह हुआ, ससुराल गया, बोला 4-5 दिन। अब नए नए जाते तो आग्रह तो करते ही है ना, तो आग्रह करने का मतलब ये नहीं कि डेरा डाल करके। अब माता पिता तो बोलेंगे ना कुछ दिन और, अब वो बेचारा थोड़ा सरल बोला, बोल रहे तो चलो रुक जाते। पहले दिन गया तब भी पालक, एक दिन रुका उस दिन भी पालक, तीसरे दिन माँ बोली बेटा एक दिन और रुक जाओ, फिर तीसरे दिन पालक, चौथे दिन बोला कि एक दिन और रुक लेते, फिर माँ तो इस दिन बना करके नहीं लाई थी, बोली बेटा क्या खाओगे? तो लड़के ने क्या कहा जानते, माता जी खाएंगे बाद में, आप हमें खेत बता दो। क्या कहा? वो तो हम खा लेंगे, बस आप हमें खेत बता दो कि कहाँ है। जिस दिन से आए हैं पालक तो पालक, उसके अलावा दूसरा कोई साग ही नहीं है। एक काम करो खेत बता दो, जाकर के चल जाएंगे। फिर सासू माँ ने बोला कि हाँ गलती तो मुझसे हुई है, तो अत्यधिक कहीं रुकने से भी सम्मान चला जाता है। इसलिए ससुराल हो, मौसी का घर हो या मामा जी का घर हो, उतना ही रुकिए जितना सम्मान आपका घटे ना, क्योंकि सामने वाले का तो कर्तव्य है कि वो आपसे आग्रह करेगा दो दिन और रुक जाए। उसने कहा 2 दिन और आप 4 दिन जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो फिर क्या होगा? हे भगवान कभी मेरे घर से डायरेक्टली नहीं कहेगा, पर व्यवहार बदल जाए। और व्यक्ति का व्यवहार बता देता है कि इसके अंदर हमारे प्रति प्रेम है या, तो जब व्यवहार दिख जाता है, कुछ लोग इतने महान होते जब तक बोलेगा कि अब चले जाएगी तो जाते ही नहीं है। हाँ ऐसे भी लोग होते, तो ऐसा नहीं करना है। चारों पुत्रियों का बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है, कहाँ जा रही है? अयोध्या के चक्रवर्ती राजा की पुत्री, पुत्र श्री राघवेंद्र सरकार की पुत्र वधु बन गई। ये जानकी जी का भी सौभाग्य है। और अयोध्या क्या है? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का घर। अभी आपने श्रवण किया है ना, सुना होगा कितने वर्ष हो गए थे राम जी टेंट में बैठे हुए, किसी ने प्रयास किया? अपना अपना मकान तो सबने बना लिया, ताल से लगा लिया, लेकिन किसी ने उसका, जब ठाकुर जी की कृपा हुई और ऐसी पावरफुल सरकार आई तो राघव जी का मंदिर बनकर के तैयार हो गया। और टेंट से हमारे राघव जी कहां पहुंच गए? मंदिर में। और भैया हमें दिखा रहे थे कि यहाँ भी वैसा ही जैसा अयोध्या में मंदिर बनाया है उसी प्रकार से बनाया गया है, तो बोले दीदी एक बार जरूर देखिएगा, राघव जी जाएंगे तो जरूर दर्शन करेंगे। तो हम भी बोले क्या ले चल अपनी नागरिया। कौन कौन चाहता है? बस कौन कौन चाहता है कि हम राम जी के साथ अयोध्या चले, क्योंकि अब बारात कहाँ लग रही है। हाँ तो कौन कौन चाहते हैं? जो हाथ नहीं उठा रहे वो घर को नहीं छोड़ना चाहते। भैया शरीर से नहीं जाना है, कैसे जाना है? मन से जाना है। तो कौन कौन चले चलते हैं? सब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चले अपनी नागरिया।
Yeah.